वर्ल्ड कप दोबारा कराने पर क्या बोले प्रधानमंत्री मोदी। क्रिकेट के दिग्गजों ने लगातार भेजे ऐसे सबूत जिसे देखकर मोदी खुद रह गए हैरान। अब ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच एक बार फिर खेला जाएगा फाइनल का मुकाबला। जी हां दोस्तों, इस वक्त ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी को ऐसे कई सारे सबूत मिल चुके हैं जिसे देखकर प्रधानमंत्री ने खुद आईसीसी और बीसीसीआई को ऐसी अपील कर दी है कि फाइनल का मुकाबला एक बार फिर से किया जाए और उसे निष्पक्ष तरीके से देखा जाए। जी हां दोस्तों, इस वक्त ये सबसे बड़ी जानकारी। आपको बता दें, प्रधानमंत्री लगातार मोदी इस पर नजर बनाए हुए हैं। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया टीम फाइनल के मुकाबले को जीत हासिल करके छठी बार फाइनल में पहुंच चुकी थी और अपना फाइनल का मुकाबला भी अपने नाम करती हुई भारत से जो है वो फाइनल का मुकाबला जीत चुकी थी। भारत को इसमें बहुत ही बुरी तरीके से हार देखनी पड़ी, लेकिन इसमें भारत के खिलाड़ियों की गलती ना होकर के ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ियों की बड़ी बेईमानी नजर आ रही है। दोस्तों, आपको बता दें, जीत के बाद ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ियों ने कई ऐसी हरकतें भी कर डाली है जिससे ये साफ हो जाता है कि वो वर्ल्ड कप 2023 को बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करते हैं। जीत का जश्न मनाने के चक्कर में ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ियों ने कई ऐसी हरकतें कर डाली है जिसे देखकर मोदी समेत पूरे भारत के क्रिकेट फैंस में बड़ा गुस्सा देखने को मिल रहा है। ऑस्ट्रेलिया की टीम पर 7 करोड़ का जुर्माना लगाने को लेकर भी एक बड़ी जानकारी आ रही है। पूरी जानकारी तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ही, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सभी लोगों से एक छोटा सा अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करते हुए विराट कोहली, शुभमन गिल या केएल राहुल में से सबसे बेहतरीन खिलाड़ी कौन सा है इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, जब से वर्ल्ड कप का आगाज हुआ है भारतीय टीम 9 मुकाबले लगातार जीतती हुई सेमीफाइनल में पहुंच चुकी थी और उसके बाद भारतीय टीम ने सेमीफाइनल का मुकाबला न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला और मुकाबले को भी बड़ी आसानी से जीत हासिल कर भारतीय टीम फाइनल में पहुंच चुकी थी। उसके बाद ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वर्ल्ड कप के मुकाबले को बड़ी आसानी से जीत जाएगी, लेकिन यह फाइनल का मुकाबला नरेंद्र मोदी स्टेडियम से शुरू हुआ। भारतीय टीम केवल 240 ही रन बना पाई और ऑस्ट्रेलिया की टीम ने इस मुकाबले को 6 विकेट से जीत लिया और इसके बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम ने वर्ल्ड कप के फाइनल पर 6ठी बार कब्जा कर लिया, जिसके जोश में आकर के ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ियों ने बड़ी गंदी हरकतें कर डाली हैं। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों ने ड्रेसिंग रूम में जाकर जूते में शराब भर के शराब पी और वर्ल्ड कप पर पैर रखकर उसकी बेइज्जती की। इसके बाद भारतीय क्रिकेट फैंस का गुस्सा फूट गया और उन लोगों ने ट्विटर पर कई ऐसी चीजें ट्रेंड करा दी जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी की आंखें खुल चुकी हैं। जी हां, प्रधानमंत्री मोदी ने कई ऐसे डिसीजन ले लिए हैं जिसके बाद फाइनल दोबारा होने के संकेत मिल रहे हैं। आखिर अभी तक ऐसी कोई पुख्ता जानकारी फाइनल दोबारा होने की नहीं मिली है, लेकिन जब से जानकारी मिलेगी हम आपको सबसे पहले वीडियो बनाकर इसी चैनल पर जानकारी देते रहेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करते हुए विराट कोहली, शुभमन गिल या केएल राहुल में से किसी भी एक बेहतरीन खिलाड़ी का नाम इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। मिलेंगे अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।